हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के साथ नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करूँगी आपको ये वाली रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, फिर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाया करेंगे वीडियोज़ की, और आप सबसे पहले मेरी वीडियोज़ देख सकोगे। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हम चुटकियों में बिना देरी करें हेल्थी नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कप सूजी ले लेना है। बारीक वाली, मोटी वाली, कोई सी भी सूजी ले सकते हो। एक चौथाई कप आपको बेसन ले लेना है। चाट मसाला ले लें एक चम्मच के लगभग, और साथ में ओरिगेनो डाल दें आधी चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा। इससे बहुत अच्छा नाश्ते में टेस्ट आता है। थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक डाल दें, मेरे पास खत्म हो गई थोड़ी सी, थोड़ी सी डाल दी। बाकी आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। आधा कप आपको छाछ ले लेना है और एकदम बढ़िया इसको मिक्स कर लेना है। तो छाछ जो लो आप ज्यादा खट्टी नहीं लो, हल्के खट्टेपन पे ही होनी चाहिए, मतलब फ्रेश होनी चाहिए। आप इस जगह दही भी ले सकते हो छाछ की जगह। अब आपको दो मुट्ठी यहाँ पर हरी मेथी ले लेनी है, जो कि हमने धो कर पहले ही कट करके रख ली थी बारीक बारीक। दो कच्चे आलू लिए, उनको भी ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। जिधर की साइड सबसे छोटे होल्स होते हैं ना, उस साइड से आप ग्रेटर से ग्रेट करें, ठीक है। इस तरीके से सभी को अच्छे से मिक्स करें। तो पहले पानी वानी बिल्कुल ना डालें, वो इसलिए क्योंकि मेथी जो है ना, हरी मेथी, ये भी अपना पानी छोड़ती है, मतलब रस निकलता है इसमें से भी। तो थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से रेस्ट पे रखें। उसके बाद आपको लगे इसमें पानी डालना है तो डालें, नहीं लगे तो बिल्कुल ना डालें। एकदम गाढ़ा आपको इसका बैटर यहाँ पर बनाकर तैयार करना होता है। हरी मेथी का ये नाश्ता खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है और हेल्थी तो होता है ना, क्योंकि हरी मेथी हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। जब तक हरी मेथी अपना रस छोड़ रही, जब तक हम भी एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक प्लेट थाली कुछ भी ले सकते हैं, उसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें। इन्हें यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी और एक ग्लास लगभग इसमें हम पानी डाल देंगे। अच्छे से ढककर रखेंगे, पानी में एक उबाल आ रहा जब तक हम दूसरी तैयारी भी कर लेंगे, और गैस की फ्लेम इधर फुल भी कर देंगे जिससे कि पानी में जल्दी से उबाल आ जाएगा। तो जो हमारा बेटर है उसे भी देख लेते हैं। तो एकदम बढ़िया है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें पानी डालना है कुछ भी, एकदम बढ़िया बेटर हमारा है जैसा कि हमें चाहिए। अब आपको इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देना है, और हाँ दोस्तों नमक भी डाल लेना बेटर में, मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई थी। इस तरीके से आपको बेटर यहाँ पर बना लेना है इसका, और उसके बाद कढ़ाई में रख देना है। तो मटके वाला स्टैंड ले लें, उसको इसमें रखें और गैस की फ्लेम स्लो कर लें। भाप बहुत ज़्यादा आती है, हाथ भी जल जाते हैं। और प्लेट जो है मेरी थोड़ी यहाँ छोटी सी थी, तो मुझे लग रहा था किनोर से कहीं मेरे हाथ नहीं जलता है, मतलब कॉर्नर से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको 15 मिनट के लगभग पका लेना है। तो मेथी का खम्बन बनकर तैयार होगा, बहुत टेस्टी होगा। और एक स्पेशल तड़का इसमें लगाएंगे जिससे इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने इसको 10 मिनट बाद खोल के देखा था, तो हाथों से चिपचिपा हो रहा था, मतलब चिपक रहा था बेटर। तो 5 मिनट के लिए और रख दिया, फिर उसको ठंडा होने दिया। उसके बाद मैंने वहाँ प्लेट को निकाल लिया और इस तरीके से इसके पीसेस कट कर लिए। तो देख रहे हो एकदम बढ़िया इसके पीसेस कट हो जाते हैं। वो काफ़ी फूला फूला भी बनता है, एकदम हल्का भी होता है, वो बिल्कुल भी कड़वा भी नहीं होता है। तो गैस ऑन करके मैंने वापस से पैन रख दिया। 2 बड़ी चम्मच के लगभग इसमें ऑयल डाल देंगे। तो शेलो फ्राई नहीं कर रहे, एक तड़का तैयार करना है हमें। जीरा डाल दें, राई डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसीलिए। तो राई जो है थोड़ी ज़्यादा सी लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इनको हाँ क्रैकल्स हो जाने दें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मतलब कच्चा ना रखें। अब आपको यहाँ पर ये जब क्रैकल्स हो जाए उसके बाद एक एक पीस लेने और इसमें डाल देना है। बट उससे पहले क्या करें, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें और साथ में ही सफ़ेद तिल डाल दें, जो कि इसके टेस्ट को बहुत बढ़ाती है। और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल दें, इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब आपको यहाँ इनको हल्का सा ही सोटी, मतलब भूनना है, बिल्कुल ज़्यादा कलर चेंज ना होने दें, वरना कड़वी भी हो जाती है तिल भी, और ये जो गोला होता है ना नारियल का बुरादा, ये भी मतलब कड़वाहट में बदल जाता है। तो हल्का सा पकाएं, उसके बाद एक एक पीस को कढ़ाई में रख दें। वो इस तरीके से अलटते पलटते हुए इनको 2 मिनट के लिए सेक लें। वैसे आप चाहो ना तो कच्चा भी इसको खा सकते हो, हालांकि वो कच्चा नहीं रहता, हालांकि पका हुआ होता है, बट बिना तड़के के भी खा सकते हो, तड़का लगा के स्पेशल बनाकर भी खा सकते हो। जब ये थोड़े से सिक जाए तो इनको पलट दें, वो दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेना है। अब मैं इनको यहाँ पर सेक रही हूँ ना, जब तक आप मेरा एक काम कर दीजिए, छोटा सा काम है, ओनली वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको सर्व किया, आप टमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकती हो नाश्ते को, बहुत टेस्टी लगता है। एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ, वाओ एकदम हल्का होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। तो बेसन का खम्बन तो कई बार खाया होगा, एक बार इस तरीके से हरी मेथी का बनाकर जरूर खाएं। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।